हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग होम रेमेडी जो कि आपकी आईब्रो ग्रो करने में आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। अब आपको कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी मार्केट से एक्सपेंसिव आईब्रो ग्रोथ की प्रोडक्ट्स खरीदने की। आज की होम रेमेडी बहुत ही कमाल की है जो कि बहुत ही ईजीली आपकी आईब्रो ग्रो करने में आपको यूज़फुल होने वाली है। सो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4 बादाम ले लिए हैं और एक एक करके प्लकर से, मैंने जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हो प्लकर से पकड़ के एक एक करके बादाम को हम एक दिया लेंगे और अच्छे से जला लेंगे। ध्यान रहे बादाम पूरी ब्लैक ना हो जाए तब तक हमें अच्छी तरह से जला लेनी है। जिस तरह से हम ये बादाम जला रहे हैं उसी तरह से बाकी 3 बादाम को भी अच्छी तरह से हमें जला लेना है। पूरी डार्क ब्लैक होने तक बादाम हमारी अच्छे से जलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। आप देख सकते हैं किस तरह से मैं बहुत ही प्रॉपर तरीके से बादाम को अच्छे से पूरा ब्लैक होने तक इसको अच्छे से जला रही हूँ। इसी तरह से हम 4 बादाम को अच्छे से जला लेंगे और अब हमें इन 4 बादाम की पाउडर तैयार कर लेनी है। आप देख सकते हो 4 बादाम की अच्छे से बारीक पाउडर हमने रेडी कर ली है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 छोटा स्पून कोकोनट ऑयल। स्पून का मेजरमेंट हमें सेम रखना है बाकी चीज़ों के लिए भी। अब हम इसमें ऐड करेंगे सेम 2 छोटा स्पून ऑलिव ऑयल। आप देख सकते हैं स्पून मैंने सेम रखा है ताकि मेजरमेंट सारे इंग्रेडिएंट्स के सेम आए। और अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल जो कि सेम स्पून के साथ हम 2 स्पून ले लेंगे। और अब नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून वैसलीन। और अब लास्ट हम इसमें ऐड करेंगे विटामिन ई का 1 कैप्सूल। यहाँ पे सारी चीज़ें हमने बाउल में ले लिया। अब हमें इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ें एक दूसरे में घुल ना जाए तब तक हमें इन्हें अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हो हमारा ऑयल बिल्कुल अच्छी तरह से बन के रेडी हो चुका है। अब आप इसे कोई एक छोटी बॉटल में या कोई छोटी डिब्बी में इसे पोर कर सकते हैं और आप 6 से 8 महीने तक इस ऑयल को यूज़ कर सकते हैं। आप इजीली 6 to 8 मंथ्स इसको स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। और अब इसे यूज़ कैसे करना है, इसे आईब्रोज़ पे अप्लाई कैसे करना है, ये तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे ईयरबड यूज़ करके हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि ईयरबड में कॉटन होने की वजह से ये ऑयल अप्लाई करने में काफ़ी ईजी लगता है, काफ़ी हेल्पफुल है ये बर्ड अपने आईब्रोज पे इस ऑयल को अप्लाई करने में। इस तरह से आप जैसे वीडियो में देख रहे इस तरह से आप इजीली इस ईयरबड को यूज़ करके ऑयल को अच्छे से आईब्रो पे अप्लाई कर सकते हैं। एक मैं डेमो दे देती हूँ आपको, आप देख सकते हो मैं किस तरह से अपनी आईब्रो पे उस ऑयल को लगा रही हूँ एक ईयरबड के थ्रू। दोनों साइड आईब्रो पे आपको धीरे धीरे से इस ऑयल को अप्लाई कर लेना है। और अब हमें ऑयल अप्लाई करने के बाद इसे मसाज कैसे करना है ये हम देखेंगे। ऑयल तो यहाँ पे हमने अप्लाई कर लिया है, अब हम देखते हैं कि मसाज कैसे करना है।
फिंगर टिप पे मैंने थोड़ा थोड़ा ऑयल ले लिया है, और आप जिस तरह से वीडियो में देख रहे हो उस तरह से स्लोली हमें अपोजिट डायरेक्शन में आईब्रोज पे मसाज करनी है। इस ऑयल में हमने जो भी चीज़ें यूज़ की है वो आपके आईब्रो ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बहुत जल्दी आपके आईब्रोज बढ़ने में आपको इस ऑयल से हेल्प होने वाली है। आप देख सकते हो किस तरह से मैं अपोजिट डायरेक्शन में मसाज कर रही हूँ। आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन में आपको इस ऑयल को मसाज करना है, ताकि ये ऑयल आपके आईब्रो की जड़ों तक पहुँचे, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो और आपकी आईब्रोज बढ़ने में, आपके आईब्रो ग्रो करने में आपको हेल्प हो। सो इसी तरह से मसाज करने के बाद हमें इसे 5 मिनट तक ऐसे ही लगाए रखना है। इस तरह से अप्लाई करने के बाद आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए इसे रखेंगे तो इसका रिजल्ट आपको और अच्छा मिलेगा। सो आप इस तरह से इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज ये बिल्कुल नेचुरल है। देयर इज़ नो आईब्रो मेकअप, देयर इज़ नो आईब्रो फिलर और एनीथिंग, दे आर लिटरली नेचुरल। सो दिस इज़ अ सीक्रेट ऑफ माय आईब्रो ग्रोथ, दिस इज़ अ सीक्रेट ऑफ माय थिक आईब्रोज। सो आप भी ये रेमेडी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसका रिजल्ट कैसा है ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली ऐसी और भी अच्छी अच्छी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।